आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। इतनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊँ। इस बार प्याज बम्पर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तो जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा। यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजती हूँ ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज है तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें।
कितने मेहनती किसान है हमारे, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो वारे ना। क्या हुआ? फसल के अच्छे दाम मिले इसलिए कई बार इन्हें इंतजार करना पड़ता, लेकिन हाथ में पैसा हो इसलिए फसल कम दामों में बेचनी पड़ती। तो तुम मदद करो उनकी। कैसे? जब फसल कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ राशि उनको एडवांस के तौर पर दे दो, और जब फसल बिक जाए वो राशि और भाड़ा काट किसानों को वापस दे दो। सॉलिड आइडिया यार। हाँ? कल ही भाजपा को भेजता हूँ। कल नहीं, आज ही। अगर एमपी के किसानों का तुम्हारे आइडिया से भला हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? शिवराज है तो विश्वास है कि हमारे आइडिया को ईमानदारी से लिया जाए। तो फिर एमपी को समृद्ध बनाने में देर क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आंटी, फ्रेशर्स पार्टी में देरी हो रही है। आपका एक्सपीरियंस दिखता है आपके काम में। बहुत संघर्ष किया है बेटा, तब जाके ये काम सीख पाई। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, बहुत बढ़िया आइडिया है। समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। लेकिन पहले तुम दोनों रेडी हो जाओ। ओके जी, आपके इस आइडिया से प्रदेश की कितनी सारी महिलाओं का भला होगा, पहले इसे भेजिए। और शिवराज है तो विश्वास है कि मेरा आइडिया वैल्यू किया जाएगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। ये कोई टाइम है सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करने का? जल्दी चलो, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तुझे क्या लगता है सोशल मीडिया प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? ट्रू, नहीं हो सकता। अरे देख, समृद्ध एमपी के लिए एक नया आइडिया है। एमपी में सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल खोलो, ताकि इंटरनेशनल कंपनीज स्टूडेंट्स को यहाँ कर हायर करें और वही भाजपा से शेयर कर रहे हैं। और ये आइडिया तो तुम बाद में भी दे सकते हो, तो अभी चले चलो। अरे अपने प्रदेश और उसके फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बड़ी बात तो यह है, शिवराज है तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आइडियाज की वैल्यू की जाएगी। सही बात है, शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया सबसे पावरफुल मीडियम है। करेक्ट। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। सही। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, सर जल्दी से रिपोर्ट चेक कर लीजिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हाँ यार, एक आइडिया है तो समृद्ध एमपी के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, शाम को मैं फ्री होकर भेजता हूँ भाजपा को। सर ये फाइल दीजिए। मैं पूरी तरह देख तो लेने दो। अपनी मिट्टी की सेवा से बढ़कर और कोई काम नहीं होता सर। आप पहले मैसेज भेजिए, बाकी सब काम बाद में। सच, ये कॉन्फिडेंस तो है कि शिवराज अपने आइडियाज को बहुत ही सीरियसली लेंगे और इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दीजिए भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है सर, हमसे दूर जा रहे हो फिर भी खुश लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर संघर्ष बहुत किया है, अब आराम करूंगा और अपने अनुभव के आधार पर रोजाना एक आइडिया समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दूंगा। तुम लोग भी अपने पेरेंट्स से उनके आइडिया शेयर करने को कहो ना। ठीक है सर, फ्री होकर बोलते हैं उनसे शेयर करने को। फ्री होकर नहीं, आज कहो बल्कि अभी कहो, उन लोगों के आइडिया से समृद्ध प्रदेश बने तो बड़ी बात होगी ना। हाँ सर, शिवराज है तो विश्वास है, सबका आइडिया सुना भी जाएगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए इंतजार क्यों करना? पेरेंट्स से आज ही कहो कि वो भी दे भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें।
देख रहे हैं दखल न्यूज। कश्मीरी पत्थरबाजों ने ली जवान की जान, अब तक पत्थरबाज माने जाते थे मासूम। बिहार पर बीजेपी और जेडीयू में समझौता, आधी आधी सीटें बटेंगी। एक सौ सतासी इलाकों में पहुंची शिवराज की यात्रा, 43 विधानसभा क्षेत्र छूटे। सुप्रीम कोर्ट से नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत, चुनाव आयोग की अपील खारिज। और प्रत्याशी के अपहरण का मामला उलझा, बुधराम ने कोंटा से नामांकन भरा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर के आतंकी पत्थरबाजों ने एक जवान की जान ले ली। आतंकी पत्थरबाजों के कारण सिपाही राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। सिपाही राजेंद्र सिंह ने अपनी शहादत देकर अलगाववादियों तथा कथित मानवाधिकारवादी संगठनों और कश्मीर के उन राजनीतिक दलों को कड़ा जवाब दिया है जो अक्सर घाटी में सेना पर अत्यधिक बल प्रयोग की दुहाई देते हैं। शहीद राजेंद्र सिंह की शहादत पर अब ये सभी खामोश हैं, क्योंकि जवान की जान उन्हीं पत्थरबाजों ने ली है जिन्हें ये लोग मासूम कहते हैं। पथराव की यह घटना गुरुवार शाम करीब 6 बजे की है। सेना की क्विक रिएक्शन टीम को सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों व कर्मियों के वाहनों के काफिले की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। सिपाही राजेंद्र सिंह सेना के इसी दस्ते का हिस्सा थे। वाहनों का काफिला अब जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अनंतनाग में टी जंक्शन के पास पहुंचा तो आतंकियों व अलगाववादियों की समर्थक हिंसक भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। सिपाही राजेंद्र सिंह व उनके साथियों ने अपने वाहन से नीचे उतरकर पथराव कर रही भीड़ को चेतावनी देते हुए रास्ता खाली करने को कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जवानों ने संयम बरता और गोली नहीं चलाई। इसी दौरान एक पत्थर सिपाही राजेंद्र सिंह के सिर पर लगा और वहीं गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके अन्य साथियों ने तुरंत उन्हें वाहन में पहुंचाया और किसी तरह पथराव कर रही भीड़ में से सभी वाहनों को वहां से निकाला। राजेंद्र सिंह को उपचार के लिए श्रीनगर स्थित सेना के बेस अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने कहा कि अगर सिपाही राजेंद्र सिंह और उनके साथी चाहते तो वो पथराव कर रही भीड़ पर गोली चला सकते थे और लाठियों का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन सभी यही मानकर शांत रहे कि ये अपने ही बच्चे हैं, इन पर गोली चलाना या लाठी चलाना उचित नहीं है। उन्होंने संयम बरता और सिपाही राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। इधर कश्मीर के नौगाम में आतंकियों ने CISF के जवानों को निशाना बनाते हुए उन पर हमला किया। आतंकियों ने जवानों पर ग्रेनाइट से हमला किया जिसमें एक ASI राजेश कुमार शहीद हो गए। आतंकियों ने यह हमला आधी रात को किया। ICSF की जिस टीम पर हमला किया गया वो पावर ग्रिड की सुरक्षा में तैनात थी। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच आगामी आम चुनाव में सीटों के बंटवारे पर समझौता हो गया है। समझौते के मुताबिक बिहार में दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अगला आम चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और NDA पहले से ज्यादा सीटें जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श के बाद अगले चुनाव के लिए सीटों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा NDA में बने रहेंगे। इस मौके पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा कि आपसी समझौते से सीटों के बंटवारे पर सहमति हो गई है। साथियों के चर्चा में शुरू होकर आया है कि 2019 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बिहार में भी NDA एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। नीतीश कुमार जी रामलीला भारतीय जनता पार्टी के तीनों पूरे बिहार के कैंपेन की लीडरशिप लेंगे और
अभी जो सीटे है बिहार में इससे ज्यादा सीटों के साथ 19 के चुनाव में हम मजबूत होकर माननीय मिश्रा जी ने जो सहमति है जेडीयू और सपा बराबर उनको पत्र की और बाकी लोगों के भूमिका के बारे में अंतिम दौर में बात चल रही है और इसके बाद जो सुनने होगा जैसा कि उन्होंने बताया दो तीन दिनों के अंदर नंबर ऑफ और इस बार नंबर ऑफ सीट की घोषणा हो गई किस पार्टी को विश्वास करेगी सब्जियों में ज्यादा वक्त। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनको बिहार की सूखाग्रस्त स्थिति की जानकारी दी। अमित शाह ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा और राम विलास पासवान हमारे साथ रहेंगे। जब एक नया सहयोगी हमसे जुड़ गया है तो सभी के लिए सीट शेयर में कमी आई। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा को बीच में ही रोक दिया। चुनाव की तैयारियों के चलते भाजपा ने यह फैसला लिया है। भाजपा के मध्य प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री की जनआशीर्वाद यात्रा को प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में घुमाना था, लेकिन पार्टी ने इसे आधे में ही समाप्त करने का फैसला किया। सीएम शिवराज सिंह अपनी यात्रा में 187 विधानसभा में घूम चुके हैं। पार्टी की चुनाव की तैयारियों में चलते यात्रा रोकी गई है। हालांकि जनआशीर्वाद यात्रा को 55 दिन में 230 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना था, लेकिन यात्रा 103 दिन में 187 विधानसभा क्षेत्र में ही पहुंच सकी। यात्रा समाप्त होने के 43 विधानसभा क्षेत्र छूट गए हैं। शिवराज सिंह की इस यात्रा में सभी जगह जबरदस्त भीड़ और लोगों में उत्साह देखने को मिला। समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज हैं तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव
मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तो जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा। यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजती हूँ ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज जी तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। कितने मेहनती किसान है हमारे, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो वारे ना। क्या हुआ, फसल के अच्छे दाम मिले इसलिए कई बार इन्हें इंतजार करना पड़ता, लेकिन हाथ में पैसा हो इसलिए फसल कम दामों में बेचनी पड़ती। तो तुम मदद करो उनकी। कैसे? जब फसल कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ राशि उनको एडवांस के तौर पर दे दो, और जब फसल बिक जाए वो राशि और भाड़ा काट किसानों को वापस दे दो। सॉलिड आइडिया यार, कल ही भाजपा को भेजता हूँ। कल नहीं, आज ही। अगर एमपी के किसानों का तुम्हारे आइडिया से भला हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। शिवराज है तो विश्वास है कि हमारे आइडिया को ईमानदारी से लिया जाए। तो फिर एमपी को समृद्ध बनाने में देर क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आंटी, फ्रेशर्स पार्टी में देरी हो रही है। आपका एक्सपीरियंस दिखता है आपके काम में। बहुत संघर्ष किया है बेटा, तब जाके ये काम सीख पाई। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, बहुत बढ़िया आइडिया है। समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। लेकिन पहले तुम दोनों रेडी हो जाओ। ओके जी, आपके इस आइडिया से प्रदेश की कितनी सारी महिलाओं का भला होगा, पहले इसे भेजिए। और शिवराज है तो विश्वास है कि मेरा आइडिया वैल्यू किया जाएगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। ये कोई टाइम है सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करने का, जल्दी चलो एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तुझे क्या लगता है सोशल मीडिया प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? ट्रू, नहीं हो सकता। अरे देख, समृद्ध एमपी के लिए एक नया आइडिया है, एमपी में सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल खोलना, ताकि इंटरनेशनल कंपनीज स्टूडेंट्स को यहाँ कर हायर करें और वही भाजपा से शेयर कर रहे हैं। और ये आइडिया तो तुम बाद में भी दे सकते हो, तो अभी चले चलो। अरे अपने प्रदेश और उसके फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बड़ी बात तो यह है, शिवराज है तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आइडियाज की वैल्यू की जाएगी। सही बात है, शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया सबसे पावरफुल मीडियम है। करेक्ट। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। सही। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें।
सर। सर जल्दी से रिपोर्ट चेक कर लीजिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हाँ यार, एक आइडिया है तो समृद्ध एमपी के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, शाम को मैं फ्री होकर भेजता हूँ भाजपा को। सर ये फाइल दीजिए, मैं पूरी तरह देख तो लेने दो। अपनी मिट्टी की सेवा से बढ़कर और कोई काम नहीं होता सर। आप पहले मैसेज भेजिए, बाकी सब काम बाद में। सच ये कॉन्फिडेंस तो है कि शिवराज अपने आइडियाज को बहुत ही सीरियसली लेंगे और इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दीजिए भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है सर, हमसे दूर जा रहे हो फिर भी खुश लग रहे हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर संघर्ष बहुत किया है, अब आराम करूंगा और अपने अनुभव के आधार पर रोजाना एक आइडिया समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दूंगा। तुम लोग भी अपने पेरेंट्स से उनके आइडियाज शेयर करने को कहो ना। ठीक है सर, फ्री होकर बोलते हैं उनसे शेयर करने को। फ्री होकर नहीं, आज कहो बल्कि अभी कहो, उन लोगों के आइडिया से समृद्ध प्रदेश बने तो बड़ी बात होगी ना। हाँ सर, शिवराज है तो विश्वास है, सबका आइडिया सुना भी जाएगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए इंतजार क्यों करना, पेरेंट्स से आज ही कहो कि वो भी दे भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोंटा विधानसभा इलाके से बसपा के प्रत्याशी बुधराम कोटामी की गुत्थी सुलझ भी नहीं पाई थी कि बुधराम ने कोंटा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की कोंटा विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी बुधराम कोटामी के अपहरण मामले की में रायपुर पुलिस ने जानकारी दी है कि पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार रायपुर के टीकापारा क्षेत्र में बुधराम अपनी पार्टी के कुछ साथियों के साथ फ्लैक्स बनवाने राजेंद्र नगर से रात टीकापारा पहुंचे थे। सभी बीएसपी कार्यकर्ता फ्लैक्स बनवाने पहली मंजिल पर चले गए। बुधराम नीचे गाड़ी के पास ही खड़े थे। साथी जब काम खत्म कर वापस आए तो बुधराम की सिर्फ स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी जिसमें वे गायब थे। पुलिस के पूछने पर साथियों ने अपहरण की आशंका जताते हुए कोंटा ले जाने की बात कही। हालांकि इस बारे में बीएसपी ने कोई लिखित शिकायत पुलिस के पास नहीं की। रायपुर की राजेंद्र नगर पुलिस अपने स्तर पर इस मामले की जांच में जुटी है। मैं कुछ नहीं बात नहीं कर सकता, लेकिन कल परसों तक बात करता हूं। लेकिन मेरे को यहां से अपहरण करके ले गए थे। देखिए, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में एक समझौता हुआ। 55 सीटों में जोगी कांग्रेस लड़ेगी और 35 सीटों पे बीएसपी लड़ेगी। फिर बाद में जोगी जी ने प्रयास किया सीपीआई को साथ में लाने का, तो उसमें हमारे कोटे से 35 सीटों में से 2 सीट दंतेवाड़ा और कोंटा सीपीआई के लिए छोड़ने के लिए कहा गया। तो तब तक हमारे बीएसपी से प्रत्याशी हमारे बुधराम कोटामी जी थे। तो हमने फिर जब 2 सीट सीपीआई को देने का बात हुआ तो हम लोगों ने हमारे बुधराम कोटामी जी को कहा कि भाई हमको छोड़ना पड़ेगा, ये सीपीआई के लिए है। इस मामले में अपहरण की कहानी से ज्यादा राजनीति नजर आ रही है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बीएसपी और सीपीआई के गठबंधन में सीपीआई ने कोटा सीट देने के बावजूद बुधराम ने बहुजन समाज पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। बताते हैं बुधराम की जिद के चलते उन्हें बी फॉर्म भी पार्टी ने दे दिया था। इस मामले में वो वोट काटने की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है, उनका ही हाथ है, लक्ष्मणराम का हाथ है। लक्ष्मणराम के इशारे पर कटान बुधराम का अपहरण हुआ है। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, अपहरण हुआ है और उनको अपहरण करके उनको प्रलोभन देंगे, पैसा देंगे, तमाम चीज़ें वादे करेंगे और उसके बाद उनका नाम वापस कराने का उनका इरादा है। ये योजना है, उसी योजना के अंतर्गत उसको रायपुर से अपहरण कर लिया गया है। मैं सब लोग को बोला उस दिन भी
कोई भी अगर चुनाव लड़ने से आता है तो लड़े, लेकिन मनीष कुंजाम जो हारने वाला आदमी आरोप पहले से लगाना उसी समझता है, इसलिए मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ये गठबंधन हुआ है, अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी का वोट कम्युनिस्ट को नहीं मिलेगा, इनके कारण मनीष कुंजाम ने अनाप जनाप आरोप लगाना बंद करे। ये चौसी साहब जी तरीका से जब हम लोग स्कूटनी में गए थे कलेक्ट्रेट ऑफिस से, उसको कंधा को पकड़ कर मनीष कुंजाम वहाँ से ऑफिस से देख निकल रहा था, मैं देखा भी नहीं हूँ, और मेरे ऊपर लगाना आरोप लगाना ये बेबुनियाद है, गलत है, पूरी तरह झूठ है। भाजपा सरकार में जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट से नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में दिए गए फैसले को बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नरोत्तम मिश्रा के लिए ये फैसला एक बड़ी राहत लेकर आया है। नरोत्तम मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने साल 2008 में विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपनी चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद 2009 में उन पर कार्रवाई की गई थी। राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर 2008 के चुनावों के दौरान पेड न्यूज और चुनाव खर्च की झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने 23 जून 2009 को नरोत्तम मिश्रा को 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। चुनाव आयोग ने पाया था कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपनी चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इस साल दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, जब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य करार दिए जाने के लिए चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव चुनावी घोषणा पत्र के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं। वे अलग अलग इलाकों में पहुंचकर जनता से रायशुमारी कर रहे हैं। जन घोषणा पत्र के लिए लोगों से रायशुमारी करने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव कोंडागांव पहुंचे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से के घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और सुझाव दिए। टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में किसान, युवाओं और महिलाओं की मांग और समस्याओं को घोषणा पत्र पर प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बस्तर में शांति बहाल करना कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता है। रेलवे लाइन के पास में पहले भी आई थी, यहाँ उड़ीसा से होके अपना जगदलपुर कांकेर होते हुए रायपुर को ले जाने की बात पहले भी प्रस्ताव लोगों ने किए थे, उसको भी हम लोग घोषणा पत्र में लाएंगे। और अब क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की एक इकाई भी बनी है जिसमें रेलवे लाइन को भी हम ले सकते हैं, तो ये बात नहीं है कि पूरी तरह से केंद्र सरकार पर या रेलवे विभाग पर निर्भर ऐसी और बात हो। कोंडागांव में सिंहदेव ने शिल्पग्राम देखने की इच्छा जाहिर की और शिल्पग्राम का भ्रमण कर बस्तर की कलाकृतियों के बारे में जाना और इस कलाकृति से जुड़े कलाकारों की प्रशंसा की। होशंगाबाद पुलिस को चुनाव से पहले बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक के पास से 4 माउजर, 5 मैगजीन और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने एक अन्य अपराधी जहांगीर अलवी के लिए काम करना कबूल किया है। जहांगीर अलवी सूचना मिलते ही फरार हो गया है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की जा रही धरपकड़ के चलते पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसके चलते सोहागपुर थाना पुलिस ने ढाबे पर बैठे युवक नाफिस खान को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा। युवक के पास से 4 कंट्री मेड माउजर पिस्टल, 5 मैगजीन और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने रिमांड पर लेकर आरोपी युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि जहांगीर अलवी के लिए काम करता है। कंट्री मेड हथियार झांसी से लेकर होशंगाबाद अपराधियों में सप्लाई करना ही उसका काम है। जहांगीर अलवी के ऊपर करीब 1 दर्जन अपराध दर्ज है, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, अड़ीबाजी, हथियार बेचना सहित अन्य मामले दर्ज है। तो जहां तक है जहांगीर के विषय में हमने बदलसी पूरी की और जो मतलब वहाँ दबिश दी और बेसिकली अभी उसके पिताजी के विषय में जो है हमारे पुलिस तहकीकात की है तो उनको मेरे देखने पर भी फरार उनको मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक जहांगीर है वो इस पर कुछ फरार। हथियार सहित पकड़े गए आरोपी को लेकर एसपी अरविंद सक्सेना ने बताया कि आरोपी इन हथियारों को 8 से 10 हजार में खरीद कर आपसी
आसपास के अपराधियों को 15,000 से 20,000 में बेचा करता था। पुलिस ने जहांगीर अलवी के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है, लेकिन यह मौके से फरार हो गया है। फिलहाल समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। इतनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यह समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोल, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूं मैं तो। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तो जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा, यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजती हूँ ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं,
और शिवराज है तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। कितने मेहनती किसान है हमारे, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो वारे ना। क्या हुआ? फसल के अच्छे दाम मिले इसलिए कई बार इन्हें इंतजार करना पड़ता, लेकिन हाथ में पैसा हो इसलिए फसल कम दामों में बेचनी पड़ती। तो तुम मदद करो उनकी। कैसे? जब फसल कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ राशि उनको एडवांस के तौर पर दे दो, और जब फसल बिक जाए वो राशि और भाड़ा काट किसानों को वापस दे दो। सॉलिड आइडिया यार। हाँ? कल ही भाजपा को भेजता हूँ। कल नहीं, आज ही। अगर एमपी के किसानों का तुम्हारे आइडिया से भला हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? शिवराज है तो विश्वास है कि हमारे आइडिया को ईमानदारी से लिया जाए। तो फिर एमपी को समृद्ध बनाने में देर क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। हाँ? मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आंटी, फ्रेशर्स पार्टी में देरी हो रही है। आपका एक्सपीरियंस दिखता है आपके काम में। बहुत संघर्ष किया है बेटा, तब जाके ये काम सीख पाई। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, बहुत बढ़िया आइडिया है। समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। लेकिन पहले तुम दोनों रेडी हो जाओ। ओके दीजिए, आपके इस आइडिया से प्रदेश की कितनी सारी महिलाओं का भला होगा, पहले इसे भेजिए। और शिवराज है तो विश्वास है कि मेरा आइडिया वैल्यू किया जाएगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। ये कोई टाइम है सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करने का? जल्दी चलो, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तुझे क्या लगता है, सोशल मीडिया प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? ट्रू, नहीं हो सकता। अरे देख, समृद्ध एमपी के लिए एक नया आइडिया है। एमपी में सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल खोलो, ताकि इंटरनेशनल कंपनीज स्टूडेंट्स को यहाँ कर हायर करें और वही भाजपा से शेयर करें। और ये आइडिया तो तुम बाद में भी दे सकते हो, तो अभी चले चलो। अरे अपने प्रदेश और उसके फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बड़ी बात तो यह है, शिवराज है तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आइडियाज की वैल्यू की जाएगी। सही बात है, शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया सबसे पावरफुल मीडियम है। करेक्ट। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। सही। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, सर जल्दी से रिपोर्ट चेक कर लीजिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हाँ यार, एक आइडिया है तो समृद्ध एमपी के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, शाम को मैं फ्री होकर भेजता हूँ भाजपा को। सर ये फाइल दीजिए। मैं पूरी तरह देख तो लेने दो। अपनी मिट्टी की सेवा से बढ़कर और कोई काम नहीं होता सर। आप पहले मैसेज भेजिए, बाकी सब काम बाद में। सच, ये कॉन्फिडेंस तो है कि शिवराज अपने आइडियाज को बहुत ही सीरियसली लेंगे और इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दीजिए भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है सर, हमसे दूर जा रहे हो फिर भी खुश लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर संघर्ष बहुत किया है, अब आराम करूंगा और अपने अनुभव के आधार पर रोजाना एक आइडिया समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दूंगा। तुम लोग भी अपने पेरेंट्स से उनके आइडियाज शेयर करने को कहो ना। ठीक है सर, फ्री होकर बोलते हैं उनसे शेयर करने को। फ्री होकर नहीं, आज कहो बल्कि अभी कहो, उन लोगों के आइडिया से समृद्ध प्रदेश बने तो बड़ी बात होगी ना। हाँ सर, शिवराज है तो विश्वास है, सबका आइडिया सुना भी जाएगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए इंतजार क्यों करना? पेरेंट्स से आज ही कहो कि वो भी दे भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान।
मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकायुक्त पुलिस ने आष्टा नगर पालिका के कैशियर अनिरुद्ध नागर को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। भोपाल लोकायुक्त पुलिस की टीम ने सीहोर जिले की आष्टा नगर पालिका परिषद के रिश्वतखोर कैशियर अनिरुद्ध नागर को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल फरियादी ठेकेदार भगवान सिंह ने आष्टा नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 17 में पक्की नाली का निर्माण किया था। इसमें से 4,85,000 का पेमेंट तो नगर पालिका ने कर दिया था, परंतु शेष 1,00,000 के पेमेंट के लिए यह कैशियर अनिरुद्ध नागर 23% की रिश्वत के रूप में 25,000 की डिमांड कर रहा था। फरियादी ठेकेदार ने इसकी शिकायत पुलिस लोकायुक्त को की थी। सिंह है, ये ग्राम लोरासपुर के रहने वाले हैं और नगर परिषद में ठेकेदारी का कार्य करते हैं। इन्होंने आष्टा में वार्ड नंबर 17 में नाली का काम किया था, उसका इनको 5,85,000 का भुगतान होना था। परिषद ने 4,85,000 का भुगतान इनको कर दिया था, 1,00,000 रुपये बचा था। अकाउंटेंट जो सहायक ग्रेड 2 हैं अनिरुद्ध नागर, इनके द्वारा जो भुगतान किया गया था 23% की मांग से इनके द्वारा रिश्वत की मांग आवेदक से करी थी। आवेदक द्वारा शिकायत की गई थी, जिससे हमने सत्यापन कराया था और आज इनको रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े। आज इसी मामले में भोपाल लोकायुक्त पुलिस टीम ने आष्टा नगर पालिका परिषद के रिश्वतखोर कैशियर अनिरुद्ध नागर को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। फिलहाल आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। प्रेम प्रसंग के चलते एक लड़का लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी। छतरपुर के गढ़ीमलहरा इलाके में दोनों के शव एक पेड़ से लटके मिले। छतरपुर के गढ़ी मलहरा थाना क्षेत्र में पहाड़ी के एक पेड़ पर लड़का लड़की के फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों के शव पेड़ पर लटक रहे थे। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस को यह मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। युवक और युवती के शव सड़ चुके थे। पुलिस की FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। दोनों युवक युवतियां की पहचान हो गई है। मृतक युवक नीरज रायकवार महाराजपुर का रहने वाला है, वहीं युवती उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि युवक नीरज 19 अक्टूबर से घर से गायब हुआ था। घटना है, आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक पेड़ पर लटका हुआ है। आरंभ में यह अज्ञात है, अब पहचान कर ली है। मैं तो अपने बेला टलवा था, तू लतम जा दुल्ला रखा मेरे को, मैंने नहीं चप्पल लाई। छतरपुर कलेक्टर ऑफिस में साहूकार की शिकायत करने आए एक बुजुर्ग ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। घटना के बाद जिले के राजस्व अमले और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। तत्काल बुजुर्ग रणजीत सिंह भदौरिया को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसका इलाज किया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बुजुर्ग ने बताया कि उसने नौगांव में किसी साहूकार से 1,00,000 रुपए कर्ज लिया था। कर्ज का की यह राशि वह दे चुका था, लेकिन साहूकार उससे और कर्ज की राशि मांग रहा था, जिसकी वह कलेक्टर से शिकायत करने आया था। हमको ये जानकारी लगी कि ये कहीं रोड पे बेहोश पड़ा है। जैसे अस्पताल लगा तो हमने एम्बुलेंस भेज के उसको कलेक्ट करा लिया। अस्पताल में डॉक्टर ने देख लिया, मैंने खुद देखा है, एनेस्थेटिस्ट आ गए हैं, स्पेशलिस्ट आ गए हैं मेडिकल, सब ने उसका ट्रीटमेंट किया। ऐसा बताया गया है कि उसने कोई जहरीली दवा खाई है और उसकी कंडीशन अभी स्थिर नहीं है, ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में फिर उसने बताया कि मैंने जो है कलेक्ट्रेट के बाहर था, मैं मेला ग्राउंड साइड में उधर बैठा था, तो मैंने दवा खा ली है। और फिर उससे पूछा गया कि दवा क्यों खाई है, बोला था मैं नौगांव का रहने वाला हूँ, मेरे कोई किसी से पैसे लिए थे, वो बार बार मुझे तंग कर रहा था। इस तरह से जो है उसने ये बताया, फिर इतनी ही जानकारी।
लेकिन बुजुर्ग की खुदकुशी की कोशिश करने के मामले में प्रशासन के अधिकारी ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है। वे अलग कहानी बताकर घटना की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। भोपाल में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेकएक्मे प्रोग्राम के तहत कॉलेज में फैशन शो का आयोजन किया गया। स्टूडेंट्स ने रैंप पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा। छात्रों ने फैशन शो का लुत्फ उठाया। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें गाड़ियों के विभिन्न मॉडल का प्रदर्शन स्टूडेंट्स के बीच किया गया। कॉलेज प्रदर्शनी में सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों ने आर्म्स और वेपन्स का भी प्रदर्शन स्टूडेंट्स के बीच किया, जो कि स्टूडेंट्स के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सेना ने युद्ध के दौरान उपयोग होने वाले वेपन्स की जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से दी। साथ ही यह भी बताया कि दंगों और युद्ध के दौरान वो इन वेपन्स का उपयोग कैसे करते हैं। सेना का प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स को सैन्य शक्ति बताना और देश सेवा हेतु सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना था। बता दें कि ओआईएसटीएम में टेकेक में 2018 प्रोग्राम 25 से 27 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें छात्र अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कार्यक्रम में गीत संगीत के साथ फैशन शो भी हुआ, जहां स्टूडेंट्स ने रैंप पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा। इस वक्त हम मौजूद है ओरिएंटल कॉलेज के कैंपस में, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एग्जीबिशन लगा हुआ है। ओरिएंटल कॉलेज के बच्चों ने जो एग्जीबिशन लगाया है वो लगा हुआ है। यहाँ सीआरपीएफ जवान के एग्जीबिशन भी लगे हैं, उनका प्रेजेंटेशन भी हो रहा है, जो प्रस्तुति दी जा रही है। आज ही हम बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि लोग एग्जीबिशन देखने के लिए काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। बच्चे स्टूडेंट जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये एग्जीबिशन लगाया है, यहाँ सीआरपीएफ के कुछ जवान भी आए हैं। हम उनसे बात करते हैं, दिखाते हैं कि उनके पास इक्विपमेंट्स क्या हैं और क्या क्या रहते हैं। सर क्या है ये? सर जिस तरह से आप लोग स्टैचू देख रहे हैं, ये श्रीनगर के अंदर स्टोन प्लेटिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, ये स्टोन प्लेटिंग से बचने के लिए काम आता है। एक ग्रेनेड फायर कर सकते हैं, एक बॉक्स में 30 ग्रेनेड आते हैं इसके अंदर। सर ये हमारा छोटा सेट है जो जवान बाहर लेकर के जाते हैं, और इससे जो जवान ड्यूटी के दौरान सिटी में जाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, 10 से 15 किलोमीटर से कम्युनिकेशन होता है। इसके कम्युनिकेशन चैनल 10 हैं। हमारे बेस हेडक्वार्टर में हमारा 25 बार सेट होता है, जो वहाँ से कम्युनिकेशन करते हैं। आरएएफ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रैपिड एक्शन फोर्स, द्रुत कार्यबल। जहाँ भी कोई मजमा या दंगा ऐसा कुछ हो जाता है, जो मजमे को तितर बितर करने के लिए, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य एक देश में शांति स्थापित करना, और ऐसे कोई अशांति फैलाने वाले ऐसे मजमे को या कोई असामाजिक तत्वों का जो इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे कुछ भी तोड़फोड़ या ऐसी कोई चीज़ करते हैं, जिसको हम हमारे सबसे पहला कर्तव्य है कि हम उसको तितर बितर कर दें। हमारे यहाँ पे 3 दिन का इवेंट कल्चर हो रहा है, जिसका नाम है टेकेक में। उसके अंदर काफ़ी टेकेक में उसके अंदर हमारे पास 2-3 शोज़ हैं, जैसे फैशन शो, टैलेंट स्टारलाइट, संगीत संध्या और ऑटो रोबोवर और स्टंट शो जैसे इवेंट हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे ऑडी के अंदर हो रहा है फैशन शो, और सीआरपीएफ के जवानों ने हमारे टेकेक्मे को बहुत सपोर्ट किया है। वो हमारे साथ day 1 से लेकर day 3 तक कंटिन्यू रहेंगे, और हम लोगों ने स्वच्छता अभियान को भी काफ़ी वेटेज देते हुए उस पर भी ध्यान दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। इतनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास।
अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूं मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तो जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव, हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा। यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजती हूँ ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज है तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। कितने मेहनती किसान है हमारे, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो वारे ना। क्या हुआ? फसल के अच्छे दाम मिले इसलिए कई बार इन्हें इंतजार करना पड़ता, लेकिन हाथ में पैसा हो इसलिए फसल कम दामों में बेचनी पड़ती। तो तुम मदद करो उनकी। कैसे? जब फसल कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ राशि उनको एडवांस के तौर पर दे दो, और जब फसल बिक जाए वो राशि और भाड़ा काट किसानों को वापस दे दो। सॉलिड आइडिया यार, कल ही भाजपा को भेजता हूँ। कल नहीं, आज ही। अगर एमपी के किसानों का तुम्हारे आइडिया से भला हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। शिवराज है तो विश्वास है कि हमारे आइडिया को ईमानदारी से लिया जाए। तो फिर एमपी को समृद्ध बनाने में देर क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आंटी, फ्रेशर्स पार्टी में देरी हो रही है। आपका एक्सपीरियंस दिखता है आपके काम में। बहुत संघर्ष किया है बेटा, तब जाके ये काम सीख पाई। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, बहुत बढ़िया आइडिया है। समृद्ध एमपी के लिए
भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। लेकिन पहले तुम दोनों रेडी हो जाओ, ओके? दीजिए, आपके इस आइडिया से प्रदेश की कितनी सारी महिलाओं का भला होगा, पहले इसे भेजिए। और शिवराज है तो विश्वास है कि मेरा आइडिया वैल्यू किया जाएगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। ये कोई टाइम है सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करने का? जल्दी चलो, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तुझे क्या लगता है सोशल मीडिया प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? ट्रू, नहीं हो सकता। अरे देख, समृद्ध एमपी के लिए एक नया आइडिया है, एमपी में सेंट्रलाइज इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल खोलो, ताकि इंटरनेशनल कंपनीज स्टूडेंट्स को यहाँ कर हायर करें और वही भाजपा से शेयर कर रहे हैं। और ये आइडिया तो तुम बाद में भी दे सकते हो, तो अभी चले चलो। अरे अपने प्रदेश और उसके फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बड़ी बात तो यह है, शिवराज है तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आइडियाज की वैल्यू की जाएगी। सही बात है, शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया सबसे पावरफुल मीडियम है। करेक्ट। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। सही। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर सर जल्दी से रिपोर्ट चेक कर लीजिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हाँ यार, एक आइडिया है तो समृद्ध एमपी के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, शाम को मैं फ्री होकर भेजता हूँ भाजपा को। सर ये फाइल दीजिए। मैं पूरी तरह देख तो लेने दो। अपनी मिट्टी की सेवा से बढ़कर और कोई काम नहीं होता सर। आप पहले मैसेज भेजिए, बाकी सब काम बाद में। सच, ये कॉन्फिडेंस तो है कि शिवराज अपने आइडियाज को बहुत ही सीरियसली लेंगे और इसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दीजिए भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है सर, हमसे दूर जा रहे हो फिर भी खुश लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर संघर्ष बहुत किया है, अब आराम करूंगा और अपने अनुभव के आधार पर रोजाना एक आइडिया समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दूंगा। तुम लोग भी अपने पेरेंट्स से उनके आइडिया शेयर करने को कहो ना। ठीक है सर, फ्री होकर बोलते हैं उनसे शेयर करने को। फ्री होकर नहीं, आज कहो बल्कि अभी कहो, उन लोगों के आइडिया से समृद्ध प्रदेश बने तो बड़ी बात होगी ना। हाँ सर, शिवराज है तो विश्वास है, सबका आइडिया सुना भी जाएगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए इंतजार क्यों करना? पेरेंट्स से आज ही कहो कि वो भी दे भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज़।